वन पीस की एनिमे सीरीज जितनी अमेजिंग है उतनी ही अमेजिंग है वन पीस के मूवीज। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वन पीस के 5 बेस्ट मूवीज के बारे में, जिन मूवीज को आपको देखना ही चाहिए। और हर एक मूवी से बढ़कर है, मतलब कि सभी मूवीज अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। तो ये वीडियो सभी वन पीस फैंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिस। अगर आप भी मेरी तरह ट्रू एनिमे लवर हो, वन पीस के सच्चे फैन हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना डेली अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। नंबर 5, वन पीस फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड। इस मूवी को 12 दिसंबर 2009 में जापान में रिलीज किया गया था। आईएमडीबी पे 7.5 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। अगर इस मूवी के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसमें दोस्तों पायलट सीकी को हमें दिखाया जाता है, जो कि स्ट्रॉ हैट पायलट क्रू में से किसी एक मेंबर को किडनैप कर लेता है। वो कौन से मेंबर को किडनैप करता है उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ताकि आपका मजाक किरकिराना हो। और बाकी के जो स्ट्रॉ हैट के पायलट्स हैं वो बचाएंगे अपने दोस्त को। और भी काफी कुछ इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। वन पीस के इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक माना जाता है। और वन पीस की ये मूवी स्ट्रॉन्ग एनिमेशन और एंगेजिंग स्टोरी के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो इस मूवी को तो जरूर देखना। नंबर 4, वन पीस फिल्म जी। वन पीस की इस मूवी को 15 दिसंबर 2012 में जापान में रिलीज किया गया। आईएमडीबी पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है इस मूवी को। और ये मूवी 1 आवर 48 मिनट्स की है, जो कि आपको भरपूर मजा देगी। इस मूवी में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आपको इमोशंस के तड़के भी देखने को मिलेंगे। मतलब कि एक्शन और इमोशन का ये कंबाइन मिक्सचर है। इस मूवी के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसमें जो एक्शन सीन्स हैं वो आपको भरपूर मजा देंगे, और साथ ही साथ इसमें जो आपको इमोशंस का तड़का देखने को मिलेगा वो आपको रुला भी सकता है। अगर आप इमोशनली वीक हो तब तो आप पक्का इस मूवी को देखकर रोने वाले हो। नंबर 3, वन पीस फिल्म गोल्ड। इस मूवी को ज्यादातर वन पीस फैंस ने ऑलरेडी देख रखा होगा। वन पीस की इस मूवी में आपको एक यूनिक स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। इस मूवी को 23 जुलाई 2016 में जापान में रिलीज किया गया था। 2 घंटे की ये मूवी आपको भरपूर मजा देगी, जहां पर लूफी और उसके साथी मिलेंगे कैसीनो बॉस से, जो कि शहर पर कब्जा करके रखा हुआ है अपने डेविल्स पावर की मदद से। ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, तो इस मूवी को आप जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। नंबर 2 और नंबर 1 बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप एनिमे लवर हो, वन पीस के सच्चे फैन हो, और एनिमे हुडी टी शर्ट खरीदना चाहते हो कम दामों पर, तो आप खरीद सकते हो phenomenalclothing.store से। दोस्तों ये फैक्टोलिस का ही ब्रांड है, तो रिटर्न पॉलिसी भी अवेलेबल है और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो जब कैश ऑन डिलीवरी है अवेलेबल तो मत डरो, बस ऑर्डर करो। और आपके स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं वन पीस के टॉप 5 बेस्ट मूवीज के बारे में, जिसमें से 3 मूवीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है नंबर 2 की। नंबर 2, वन पीस स्टैम्पीड। वन पीस की ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वन पीस की ये मूवी मेरी भी पसंदीदा मूवीज में से एक है, और मैं आपको इस मूवी के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता दूं। मोस्ट सर्च एनिमे मूवी की टॉप 10 लिस्ट में आता है दोस्तों ये आज भी। 9 अगस्त 2019 को इस मूवी को जापान में रिलीज किया गया था। ये मूवी काफी पसंद किया गया फैंस के द्वारा वर्ल्ड वाइड। जापान में इसने 5.5 बिलियन जापानीज येन से भी ज्यादा की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड इसने 94 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। मतलब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज्यादा हिट है। आईएमडीबी रेटिंग की बात करूं तो इसे 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स यानी कि लूफी और उसके साथी डेल्टा आइलैंड पर विजिट करते हैं पायरेट फेस्ट के लिए, जहां पर बहुत सारे पायरेट्स आए रहते हैं जो कि वन पीस को ढूंढ रहे होते हैं। बाकी दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इस मूवी के बारे में, क्योंकि जब आप इस मूवी को खुद देखेंगे और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ये मूवी देखकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। वैसे तो दोस्तों आप इन सभी मूवीज को इजीली देख सकते हो, पर अगर फिर भी कोई सहायता चाहिए, अगर देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंस्टाग्राम पर जाना है, फैक्टोलिस को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपके मैसेजेस की रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर जाओ, फैक्टोलिस को फॉलो करो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह फैक्टोलिस को फॉलो करो, क्योंकि हमें वन पीस की कम्युनिटी को, एनिमे कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। नंबर 1 बताने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। नंबर 1, वन पीस फिल्म रेड। दोस्तों ये सबसे लेटेस्ट मूवी है वन पीस। ये मूवी थिएटर्स में भी आई थी, तो आई होप कि आप सभी ने ऑलरेडी देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो देख लेना। तो वन पीस फिल्म रेड के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे कि दोस्तों इसने जापान के बॉक्स ऑफिस पर 20 बिलियन जापानी येन से भी ज्यादा की कमाई की थी वन पीस फिल्म रेड ने। अगर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात करूं तो वन पीस फिल्म रेड ने $234 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की है। मतलब इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मूवी कितनी ज्यादा हिट है। मोस्ट सर्च एनिमे मूवी में ये नंबर
4 पर आता है दोस्तों अभी इस वक्त। 6 अगस्त 2022 में इस मूवी को जापान में रिलीज किया गया था। 1 hour 55 minutes की ये मूवी है जो कि आपको भरपूर मजा देगी। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 वन पीस के मूवीज। आई होप कि आप इन मूवीज को जरूर देखोगे, और अगर आपने ऑलरेडी देख रखा है तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस और अपने रिव्यूज जरूर देना, ताकि जो पहली बार मूवीज को देखने जाए तो वो आपके रिव्यूज जरूर पढ़ के जाए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, और अगर आपको एनिमे हुडी टी शर्ट चाहिए तो आप वो भी खरीद सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक देखते रहे फैक्टोरियस।